ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, सुनिएगा जरूर। माँ का बंटवारा। कैसे अपने दो बच्चों के बीच नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी एक साल ही हुए थे, पर यह एक साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इतना बुरा नंदिनी को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी, माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती थी। सास के हाथों में भी जादू था, जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी, मन में ख्याल भी कभी ना लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन दो भाई थे, बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुमित्रा था। यूँ तो सुमित्रा भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी, आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। सुमित्रा दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता, सारे लोग दिन रात नंदिनी नंदिनी ही करते रहते हैं। संजय उसे समझाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें करते रहते हैं, जैसे मेरा इस घर में कोई पूछे ना हो। अब मुझे अलग रहना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुमित्रा, तुम गलत कह रही हो, एक छत में और एक घर में कभी दो चूल्हे आज तक तुम सुनी हैं, यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तू माँ का ही बंटवारा कर दो। माँ अब हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को अलग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बात बुरी लग रही है ना, पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं ना, पर कल जब होगा तब मुझसे कुछ मत कहना। दरवाजे पे खड़ी माँ यह सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुमित्रा से कुछ नहीं कहती हैं। वह चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई भी एक भी अंग दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुमित्रा यह सब देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ, जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने दोनों बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। बच्चों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के लिए सिर्फ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहेंगे या बड़े भैया के पास।
क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसको तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वो बहू और उसके भाइयों में से किसी एक संतान का चयन करे? सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियाँ हैं। बेटियाँ तो पराई होकर अपने ससुराल चली गईं, और ससुराल आते ही जो बहू वही कहलाती हैं बेटियाँ। तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, किसी एक को प्यार करती है माँ। माँ अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती है। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नंदिनी को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी, और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं बिना चूल्हा बाटे। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।